मरवाही उपचुनाव के लिए 286 बूथों पर शाम 6 बजे तक मतदान होगा। मरवाही विधानसभा में कुल 1,91,004 मतदाता हैं। 126 संवेदनशील मतदान केंद्रों में अतिरिक्त सुरक्षा की तैनाती की गई है। मरवाही में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर गंभीर सिंह और कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव में सीधी टक्कर है। और हमारे साथ सहयोगी वैभव शिव पांडे लाइव जुड़ गए हैं। वैभव, सबसे पहले तो मतदान का प्रतिशत जानना चाहूंगी और उसके बाद दूसरा सवाल ये है कि कितनी रफ्तार अब मतदान ने पकड़ी है। देखिए रस्क, सुबह के वक्त में जो मतदान का प्रतिशत था वो काफी धीमा था, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते चला गया है मतदान के प्रतिशत में बढ़ोतरी भी हुई है और दोपहर 1 बजे तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक 50% से अधिक मतदान हो चुका है और इसी रफ्तार से अगर मतदान हुआ तो एक अनुमान के मुताबिक 80% से भी अधिक मतदान संभव है यहाँ पे मरवाही विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ के मतदाताओं में एक उत्साह दिख रहा है और चूंकि इस बार पोलिंग बूथ की संख्या भी बढ़ाई गई है, सहायक जो मतदान केंद्र बढ़ाए गए हैं 50 के करीब, तो उसके चलते मतदान केंद्रों में भीड़ भी नहीं है और मतदान आसानी से हो भी पा रहा है, जबकि कोरोना का संकट है और तमाम गाइडलाइन का पालन भी किया जा रहा है। बकायदा जो मतदाता यहाँ पे पहुंच रहे हैं उनको मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मैं इस वक्त मरवाही विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र में हूँ और ये आप देखिए कि अब लाइन आपको लंबी नहीं मिलेगी, ये छोटी छोटी टुकड़ियों में लाइन है, 4, 5, 6, 7, 8, 10 की संख्या में मतदाता पहुंच रहे हैं और बहुत आसानी से मतदान करके वो वापस लौट भी जा रहे हैं। हालांकि जिस जगह पे मैं हूँ वहाँ पे 4 हैं, 4 मतदान केंद्र है, 4 बूथ है इस मतदान केंद्र में, तो संख्या वैसे ही कम है, लेकिन यही तस्वीर मरवाही विधानसभा क्षेत्र के लगभग सभी मतदान केंद्रों में है कि कहीं भी अभी लंबी लाइन आपको दिखाई नहीं दे रही है। वैसे दोपहर के वक्त में लाइन थोड़ी सी छोटी भी हो जाती है, शाम के वक्त में 4 बजे के बाद 4 से 6 के बीच में मतदान की रफ्तार थोड़ी कुछ और तेज हो सकती है। फिलहाल जानकारी ये है कि कहीं से भी कोई भी अव्यवस्था की खबर जो सुबह के वक्त में जैसे आई थी शुरुआत में कि सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो पा रहा है, कुछ ईवीएम में गड़बड़ी की खबरें आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है। मेरे सहयोगी विप्लव मेरे साथ में है, उनसे और जानकारी लेते हैं कि अंदरूनी इलाकों में किस तरह का माहौल है, जो भाजपा और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने अपने मतदान कर दिया है, उनका बयान भी जारी आया है सामने। अंदरूनी इलाकों में जंगल के क्षेत्रों में जो है किस तरह का माहौल है, वहाँ पे मतदाताओं में क्या है रुझान है? मतदाता तो जागरूक हैं और अभी तक लगभग हर जगह पे, हर मतदान केंद्रों में 40 से 50% और कई जगहों पे 50 से ज्यादा, मतलब पूरे विधानसभा में 50 से ज्यादा% वोटिंग जो है इस विधानसभा चुनाव में अभी तक हो चुकी है। और रुझान, अब मतदाता खुल के तो नहीं बोल सकते कि माहौल क्या है, रुझान क्या है, लेकिन वो मतदान केंद्रों तक आ रहे हैं। उनमें उत्साह कैसा है, क्या ग्रामीण क्षेत्र में जो जंगल के भीतर के जो मतदाता हैं वो भी केंद्रों तक पहुंच रहे हैं? बराबर वो केंद्रों तक पहुंच रहे हैं, सुबह जल्दी जल्दी आ रहे थे, अभी दोपहर में रफ्तार थोड़ी सी धीमे हो गई है, अपने अपने कामों में व्यस्त है, लेकिन शाम जैसे जैसे होती जाएगी, जैसा आपने बताया कि 4 से 5 बजे के बीच मतदाता एक बार फिर से मतदान केंद्रों तक बड़ी संख्या में पहुंचेंगे और लगभग वोटिंग परसेंट 70 से 80% जाएगा इस बार मरवाही में जाएगा। तो जैसा कि विप्लव हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि 80% तक मतदान संभव है और जो जंगल के भीतरी इलाकों में जो मतदाता है वो भी मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं और बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रत्याशियों ने अपने मतदान करने के बाद जो इलाके का भ्रमण है वो शुरू कर दिया है, वो मतदाताओं के बीच पहुंच रहे हैं, केंद्रों में जाकर देख रहे हैं कि व्यवस्थाएं कैसी है। रस, बिल्कुल वैभव, हम चाहेंगे कि आप तो हमारे दर्शकों को वो तस्वीरें भी दिखाएं कि इस ये जो मतदान केंद्र है वो इसको क्या आदर्श मतदान केंद्र की श्रेणी में रखा गया है, किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और जो वोटर्स हैं जो मत का अधिकार करने के लिए पहुंच रहे हैं, वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, अगर उनसे बातचीत हो तो आप बात कीजिए। बिल्कुल, हम कोशिश करते हैं, मैं तो जिस मतदान केंद्र में हूँ वो आदर्श मतदान केंद्र तो नहीं है, क्योंकि आदर्श मतदान केंद्र पूरे मरवाही विधानसभा क्षेत्र में 3 ही बनाए गए थे और सुबह के वक्त हमने जो है गोरखपुर की तस्वीरें आपको दिखाई थी जो कि आदर्श मतदान केंद्र था, फिलहाल ये पदगवा जो है गाँव है वहां का मतदान केंद्र है और यहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था आपको देख रही है, पुलिस वालों की मौजूदगी है,
छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के जो जवान हैं उनकी तैनाती भी की गई है, जिला पुलिस के जवान हैं उनकी तैनाती भी की गई है। और ये संवेदनशील मतदान केंद्र में नहीं आता, इसलिए यहाँ पे सीआरपीएफ की कंपनी तैनात तो नहीं है, लेकिन पूरी व्यवस्था के साथ जितने भी यहाँ पे मतदाता मौजूद है केंद्र में, उन सबके चेहरे पे मास्क है, ग्लव्स है, और उनको बकायदा जो मतदान केंद्र के अंदर प्रवेश करने से पहले सैनिटाइज किया जा रहा है, उनके हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा है, उनको ग्लव्स पहनाए जा रहे हैं, मास्क पहनाए जा रहे हैं, तो उसके साथ ये पूरी कवायद चल रही है। और जो मतदाता है उनमें उत्साह तो है इस बात को लेकर के कि वो एक ऐसे जनप्रतिनिधि का चुनाव करे जो मरवाही के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सके, एक ऐसा विधायक यहाँ पे चुन के आए जो कि मरवाही इलाके को जो है पिछड़ा इलाके से एक विकसित इलाके में तब्दील कर पाए, तो इस ध्येय के साथ मतदाता पहुंच रहे हैं उनके सामने। जैसे हमने सुबह के वक्त में मतदाताओं से चर्चा की थी तो उनका ये कहना था कि अंदरूनी इलाकों में जो सड़क है, भाई साहब आप आइए, मतदान किया क्या आपने, आइए आइए एक मिनट आइए, जरा दिखाइए उंगली दिखाइए, ये एक मतदाता अभी निकले हैं उनसे जरा देखते हैं, ये ग्लव्स पहना रहे, पहन के मास्क वो कर रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, मास्क भी लगा रहे हैं, उंगली दिखाइए जरा जो स्याही लगी जिसमें, तो ये मतदाता हैं जो कि निकले हैं मतदान केंद्र से। कैसी व्यवस्था है इस बार जो है? अच्छी व्यवस्था है सर जी, बढ़िया आराम से मतदान हो रहा है, कोई परेशानी हो रही है? परेशानी नहीं है, नहीं हो रही, नहीं है। अच्छा, अपने इलाके में कैसा विकास चाहते हैं, अपने जो है जनप्रतिनिधि से आपकी क्या अपेक्षा है? अच्छा विकास होना चाहिए सर जी, कुछ भी हो, ये सड़क है कुछ भी है, आपने मतदान विकास होना चाहिए ना, आइए आइए जरा आपसे भी पूछे जरा, विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं अपने इलाके के लिए किस तरह का विकास होना चाहिए? हमारे यहाँ मान लो अभी तो रोड की समस्या रहा और यहाँ बिजली और जरा वो युवाओं को बुलाएं, आइए जरा एक मिनट आइए, बिजली पानी की समस्या यहाँ और शिक्षा के भी समस्या है यहाँ, अच्छा काहे की परेशानी है? ये सड़क, अभी सड़क ज्यादा परेशानी है, अब किसान आदमी है हम, सड़क बहुत खाई हो गया, ना ट्रैक्टर आता ना गाड़ी चलता, उससे परेशान है, अब खेते में रख रहे हैं धान पान। हमारे साथ एक युवा मतदाता है, उनसे पूछते हैं, आपने पहली बार मतदान किया क्या? जी। अच्छा, कैसा लग रहा है मतदान करके? अच्छा लग रहा है। अच्छा, व्यवस्थाएं कैसी है मतदान को लेकर? अच्छी है पर और थोड़ा। अच्छा, इस बार कोरोना का काल है तो हैंड ग्लव्स और सैनिटाइज करके मास्क लगा के जाना पड़ रहा है, कैसा लग रहा है इसमें? अच्छा ही है, हम लोग के बचाव के लिए है। युवाओं की क्या सोच है, युवा क्या सोचते हैं अपने इलाके के बारे में, कैसा विकास है? विकास ये जो ये सब रोड है अभी तो बन नहीं पा रहा है, काफी साल हो गए, तो और बहुत सारी ऐसी चीज है जिसमें लगता है कि विकास होना चाहिए। जी बिल्कुल, तो ज्यादातर जो मतदाता हैं जो कि यहाँ पे पहुंचे हैं उनकी एक ही समस्या है रस की, सड़क अच्छी हो जाए, आवागमन का की सुविधा जो है अच्छी हो जाएगी तो वो काफी अच्छा रहेगा, और उसी ध्येय के साथ वो यहाँ पे मतदान केंद्र में। चलिए आप नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे, बहरहाल बहुत शुक्रिया।